Hello friends, this is Chetan Sharma. In this video lecture, I am going to start with the topic of design of concrete structure 2, that is numerical on retaining wall. तो last lecture में हमने start किया था numerical इसका retaining wall का. उसमें हमने second step तक find out कर लिया था. Second step था हमारा check for stability. तो आज हम वहीं से continue करेंगे. तो उसके बाद हमारा step है pressure under base slab. Pressure under base slab, ये हमारा आ गया step number 3. दो step हमने previous lecture में कर लिए थे, आज step number 3 करेंगे हम. तो इसमें हम क्या निकालेंगे, पहले total movement above point O. O के अबाउट हम क्या लेंगे, मूवमेंट. तो मूवमेंट कितनी थी हमारे पास, मूवमेंट स्टेबलाइजिंग मूवमेंट क्या थी हमारे पास, एम एस माइनस ओवरटेकिंग मूवमेंट. यहां से हमारी क्या आ जाएगी, टोटल मूवमेंट अबाउट पॉइंट O. तो ये कितनी थी हमारी, 256.6 माइनस ओवरटेकिंग कितनी थी हमारी, 107.17. ये कितनी होगी हमारे पास, 149.4 किलोमीटर मीटर. ये आ गए हमारी मूवमेंट इसके अबाउट पॉइंट O के अबाउट. तो टोटल वर्टिकल लोड कितना हमारा था, 163.3. ये वैल्यूज हमने जो फर्स्ट लेक्चर था न्यूमेरिकल का, न्यूमेरिकल ऑन रिटेनिंग वॉल पार्ट वन, उसमें फाइंड आउट की थी, उसी के बेसिस पे हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. उसके बाद क्या निकाल लेंगे हम, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम O में वेयर रिजल्टेंट इंटरसेप्ट द बेस लाइन. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहां से, पॉइंट O से, जहां पे क्या हो रहा है, रिजल्टेंट इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, बेस लाइन को. तो हम ड्रा करते हैं, ये थी हमारी बेस O, ये हमारी बेस लाइन. तो टोटल डिस्टेंस कितना था, 2.5, हाफ हाफ कर लेते हैं इसको, 1.25, ये भी 1.25, हमारा हाफ. फिर हम क्या करेंगे, यहां पे हम निकाल लेंगे एक्स बार. एक्स बार कैसे निकालेंगे हम, मूवमेंट कितनी थी, मूवमेंट अपॉन वर्टिकल लोड. तो मूवमेंट कितनी है हमारे पास, 149.4 अपॉन 163.3. तो ये आ गया हमारा 0.915 मीटर. क्या कह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम O, यहां से लेके कितनी डिस्टेंस तक है, 0.915. सपोज यहां मान लो, ठीक है. उसके बाद क्या कह रहे हैं, अब क्या निकालेंगे हम, इसेंट्रिसिटी. सेंट्रिसिटी कैसे निकालेंगे हम, E इज इक्वल टू हाफ डिस्टेंस कितना था हमारे पास, 1.5. तो हाफ कितना हो गया, 2.5 डिवाइडेड बाय 2, माइनस कर लेंगे हम ये वाला x बार, 0.915. यहां से क्या आ गई हमारी सेंट्रिसिटी. तो ये कितने आई वैल्यू फाइंड करेंगे, 0.335 मीटर, ये आ गई हमारी सेंट्रिसिटी. उसके बाद सेंट्रिसिटी भी आ गई, अब हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम प्रेशर और मिनिमम प्रेशर कहां पे, बेस स्लैब.
मैक्सिमम प्रेशर रेस्ट रहता है पी वन डब्ल्यू स्पेशल डब्ल्यू ऑन पी वन प्लस सिक्स ई अपॉन बी। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे एसेंट्रिसिटी जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया है, टोटल वर्टिकल लोड भी हमारे पास है, तो ये कितना आएगा वर्टिकल लोड 163.3। तो विड्थ टोटल विड्थ कितनी थी हमारे पास 2.5, 1 प्लस 6 इंटू एसेंट्रिसिटी कितनी थी हमारे पास 0.335 अपॉन टोटल विड्थ 2.5। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा मैक्सिमम प्रेशर, वो कितना है 117.8 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद हम निकालेंगे मिनिमम प्रेशर, मिनिमम प्रेशर के लिए भी सेम, सिर्फ साइन चेंज होगा इसमें, ये वाला हम सिर्फ प्लस की जगह माइनस कर देंगे, तो वैल्यू एग्जैक्ट पुट कर लेते हैं इसमें, इसको क्या इससे हम पी टू ले लेते हैं, इसको 163.3 अपॉन 2.5 वन प्लस सिक्स माइनस सॉरी सिक्स इंटू 0.335 अपॉन 2.5। ये वैल्यू कैलकुलेट करके कितनी आती है 12.8 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गए मैक्सिमम प्रेशर और मिनिमम प्रेशर। तो अगर हम चेक करें इसमें तो ये क्या कह रहा है, दस क्या है हमारे पास पी वन जो कि मैक्सिमम प्रेशर है वो क्या है लेस देन सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो अगर चेक करें कि जो प्रेशर हमारा बेस स्लैब से आ रहा है वो किससे कम है सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी के, तो अगर पी टू की बात करें वो भी पॉजिटिव है वो भी कम है, तो ये क्या होगा हेंस सेटिस्फैक्टरी। अब हम क्या करेंगे प्रेशर हमारे हो गए, प्रेशर भी मीन सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी से लेस है, ये भी हमारा सेफ है। अब हम क्या करेंगे डिजाइन ऑफ स्टेम, ये हमारा स्टेप नंबर है 4। स्टेप नंबर 4 क्या है हमारा डिजाइन ऑफ स्टेम। डिजाइन ऑफ स्टेम में क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टेम एक्ट एज कैंटिलीवर, सबको पता है सपोज हमारे पास बेस स्लैब ऐसे है तो स्टेम हमारी ऐसे होती थी, तो ये क्या है एज अ कैंटिलीवर एक्ट हो रहा है कैंटिलीवर। तो ऑफ हाइट कितनी है इसकी 4.35 मीटर, ये थी हमारी स्टेम की हाइट। सब्जेक्ट टू यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड, ये कैसे आएगा हमारा के कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर डेंसिटी इनटू एच, ये हमारा क्या आ गया यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड जो हम इसके बेस में मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम मूवमेंट एट द बेस ऑफ कैंटिलीवर कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम मोमेंट एट द बेस ऑफ कैंटिलीवर, यहां से क्या आ जाएगा हमारा टोटल लोड एट द बेस। पर हम क्या निकालेंगे अभी मैक्सिमम मूवमेंट कितनी है हमारे पास, वो कैसे है 1/2 के ए एच स्क्वायर इंटू एच बाई थ्री। अगर इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन से चेक करें तो ये कैसे बनेगा, देखो सपोज ये हमारी स्टेम है ये, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वेरिंग जो ये कह रहा है ऊपर से जीरो होगा टॉप पे, तो ये कैसे वेरी कर गया ऐसे। तो ये कह रहा है इसके बेस स्लैब पे कितना लोड होगा मैक्सिमम के ए एच। तो अगर हमने मैक्सिमम मूवमेंट निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, ये है लोड डिस्ट्रीब्यूशन हमारा, मैक्सिमम कैसे निकालेंगे इसका एरिया वो क्या होगा 1/2 बेस कितना है इंटू अल्टीट्यूड एच, एच का स्क्वायर हो गया, तो
मैक्सिमम कहाँ पे एक्ट करेगी, सीजी पे, सीजी पे कितना होता है अपना एच बाई थ्री फ्रॉम द बेस, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे वैल्यू को, कितना हो जाएगा 1/6 के ए कामा एच क्यूब, इसमें हम वैल्यू पुट करें तो क्या आता है हमारा 1/6 इंटू के कितना हमारा 1/3 इंटू उसके बाद इंटू 18 क्या थी हमारी डेंसिटी, एच कितना आया था हमारे पास 4.35 का क्यूब, तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 82.31 किलो न्यूटन मीटर, ये आ गया हमारे पास मैक्सिमम मूवमेंट। तो अगर इसको हम फैक्टर कर लें, एम यू कितनी होगी 1.5 इंटू 82.3, तो ये कितनी होगी हमारे पास 123.47 किलो न्यूटन मीटर, ये क्या आ गया हमारे पास फैक्टर मूवमेंट। उसके बाद अगर हम चेक करें, तो अगर हम चेक करें सिंस M20 कंप्लीट और एंड Fe 415 पे हमारा स्टील जो कि हम आर यूज कर, तो इसके बेस पे अगर ग्रेड और स्टील के बेस पे देखा जाए तो हमारी मैक्सिमम जो है MU लिमिटेड वो कितनी होती है, वो डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ स्टील पे, वो कितनी होती है हमारी 0.138 FCK BD² ये इसको इक्वेट कर लेते हैं MU के साथ, ठीक है फॉर बैलेंस्ड सेक्शन। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो हमारे पास D की वैल्यू नहीं है, इसकी MU हमारे पास है जो भी हमने निकाला, 0.1 FCK भी हमें पता है, बी भी हमें पता है, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से डी। तो अगर हम सारी वैल्यूज इसमें पुट करें फिर हम डी की वैल्यू यहाँ से निकालें, तो डी की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी, आप खुद कैलकुलेट कर लें इसको, डी की वैल्यू आ जाती है हमारी 211.5, ये आ गई हमारी किसकी वैल्यू mm में ले लो इसे, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी डी की। उसके बाद अगर हम चेक करें हमें क्या करना है, डेप्थ जो थी हमारी वो कितनी थी हमारी 350, टोटल तो हमने 0.4 मीटर प्रोवाइड करी थी, तो अगर इफेक्टिव देखें तो कितनी थी 350 mm, ओवरऑल डेप्थ कितनी थी 400 mm, ये हमारी डेप्थ थी। तो ये क्या है, गिव सफिशिएंटली अंडर, गिव सफिशिएंटली अंडर रिइंफोर्स्ड, ये क्या है सफिशिएंट है अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन। उसके बाद हम अगर हमें पता है कि हमने अपना डी पहले ही प्रोवाइड किया था 0.4 मीटर मीन्स 400 mm, तो अभी हमने चेक लगा के देख लिया कि हमारी कितनी आई 211.5, तो इट मीन्स हम सेफ साइड हैं, तो हमारा MU लिमिटेड जो है और मूवमेंट हमारी ठीक है, वहाँ से हमारी जो डी निकल के आई वो सेफ है। अब हम डायरेक्ट यहाँ से क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड इज ऑब्टेन फ्रॉम एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो एरिया ऑफ स्टील कैसे निकालते हैं, MU इज इक्वल टू 0.87 FY AST डी ब्रैकेट 1 AST अपॉन BD FY अपॉन FCK। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ स्टील हमें पता है, MU हमारे पास है, FY हमें पता है, एरिया ऑफ स्टील हमें निकालना है, डी भी हमें पता है, BD हमारे पास है, FCK भी है और FY भी है, ये सारी वैल्यूज पुट करके हम क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ स्टील। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे कि एरिया ऑफ स्टील हमारे पास कितना आएगा, ये ST इज इक्वल टू, ये आप खुद कैलकुलेट करके पहले फाइंड आउट करो, तो ये आएगा 10, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1041 mm
स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ स्टील। अब हम क्या करेंगे कि हमें चेक करना है कि हम मैक्सिमम कितने डाया का स्टील जो है वो प्रोवाइड करते हैं, किसमें रिटेनिंग वॉल में। हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे 12 mm, यूज़ 12 mm बार। तो इससे अब हम चेक करेंगे कि स्पेसिंग कितनी होगी। तो स्पेसिंग ऐसे निकालेंगे, एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ 1 bar पाई डी स्क्वायर बाई 4, उसके बाद टोटल एरिया 1041। यहाँ से क्या आ जाएगी हमारी इंटू परिमीटर, यहाँ से क्या आ जाएगी हमारी स्पेसिंग, वो कितनी हमारी 100 mm। तो अगर हम स्टील का डाया बढ़ाएंगे तो स्पेसिंग क्या होगी हमारी ज़्यादा, अगर हम स्टील का डाया छोटा करेंगे तो स्पेसिंग हमारी कम हो जाएगी। ये डिपेंड करती है स्पेसिंग किस पे, डाया ऑफ स्टील पे। तो यहाँ से हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे कितना आ रहा है, प्रोवाइड 12 mm बार्स एट 100, कम कर देते हैं स्पेसिंग, सी होता है हमारी सेंटर की सेंटर, ये हमारा आ गया मेन बार। अब हम चेक करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कैसे निकालेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील पहले हम चेक कर लेते हैं एवरेज थिकनेस कितनी होगी बाल की, एवरेज थिकनेस ऑफ बाल वो कितनी है हमारी 200 एक साइड है प्लस 400 एक साइड, फिर कितना डिवाइड बाई 2, एवरेज कितनी होगी 300 mm या हमारी एवरेज थिकनेस ऑफ बाल। तो हमारा एरिया स्टील हम क्या करते हैं, एरिया स्टील कैसे होता है हमारा 0.12% ऑफ द एरिया। तो ये आ जाएगा ई एस टी इज इक्वल टू 0.12 एरिया कितना होगा 1000 इंटू, ये आ गई हमारी थिकनेस बाल की। तो यहाँ से हमारा एरिया स्टील कितना 360 mm स्क्वायर। तो यहाँ पे हम 8 mm बार का जो है स्टील यूज करेंगे, प्रोवाइड 180 mm स्क्वायर ऑन ईच फेस एंड यूजिंग 8 mm बार। ये क्या आ गया हमारा, तो टोटल स्टील हमने कितना ले लिया 180 ऑन ईच फेस, ठीक है। तो ईच फेस पे अगर इतना है हमारा, तो अगर हम निकाले इसकी स्पेसिंग तो कितनी होगी हमारी, एस इज इक्वल टू 5/4 इंटू 8 mm का बार है अपॉन 180। देखो ये है टोटल स्टील, लेकिन हमें डिस्ट्रीब्यूशन ईच फेस के लिए निकाल रहे हैं, तो कितना हाफ हो जाएगा 180। तो ये आ गया कितनी स्पेसिंग आ गई इंटू 1000, तो ये कितनी आ गई हमारी वैल्यू 279। तो कितना प्रोवाइड कर देंगे हम यहाँ पे, प्रोवाइड 8 mm बार एट 270 mm सेंटर टू सेंटर ऑन सेंक्शन फेस। ये हमारा हो गया इसका डिजाइन ऑफ स्टेम। नेक्स्ट लेक्चर हम क्या करेंगे, कर्टेलमेंट ऑफ वर्टिकल बार। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा डिज़ाइन ऑफ टो स्लैब, डिज़ाइन ऑफ हील स्लैब, डिज़ाइन ऑफ शेयर की, हर एक जो इसका पार्ट है उसको डिज़ाइन करेंगे। तो ये हम लेक्चर के मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, आज है हमारा पार्ट 2, तो इस पूरे न्यूमेरिकल को मैं लेक्चर के पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, तो आप इजीली समझ सको। थैंक यू।